तो बच्चों एक बार फिर आइए इस चैप्टर को, पर्यावरण चैप्टर को हम लोग फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो पिछले क्लास में बच्चों ये हम यहाँ तक पढ़े थे कि कारखानों से जो कचरे निकलते हैं, जो गंदगियाँ निकलती हैं, जो विषैले जल होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसको नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि मछलियों के साथ साथ जल में रहने वाली जितनी प्रकार के जीव होते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सब उस विषैले जल से वह मर जाता है, वह नष्ट हो जाता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे जीवन, जिसका अस्तित्व हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो वह खत्म हो जाता है। तो एक तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल, जिसका दुष्परिणाम मानव के जीवन पर पड़ता है, मानव के अस्तित्व पर पड़ता है। तो इतना ही नहीं, कहते हैं नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। जो नदियों का जल अमृत के समान मधुर होता था, लोग नदियों का जल पीते थे, आज सारी नदियाँ, हमारे देश की जितनी भी नदियाँ हैं, हमारे ही देश नहीं, शायद दुनिया की सारी जितनी भी नदियाँ हैं, सभी नदियाँ प्रदूषित हो गई है। किसी भी नदियों का जल पीने लायक नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हमने उन नदियों में प्रवाहित होने वाला जो जल है, उसमें इतनी गंदगियां हैं, इतने कचरे उसमें हम लोग प्रवाहित करते हैं कि वह जल जो है वह प्रदूषित हो गया है और वह अपेय हो गया है, पीने लायक नहीं रह गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो हम सभी मानवों के द्वारा। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएं और पुनः हमसे ऐसा कोई कार्य न हो जो हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के लिए, मेरा एक भी कार्य उस तरह का ना हो। इतना ही नहीं, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते। वन वृक्ष जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंगल में रहने वाले जितने भी छोटे बड़े जितने भी प्रकार के पेड़ हैं, तो कहते हैं निर्विवेकम छिद्यन्ते व्यापार वर्धनाय। व्यापार वर्धन के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, है ना, बिना विवेक के हम लोग काटते जाते हैं। सरकार के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाता है, पेड़ की महत्ता को हम लोग जानते हैं। कहा भी गया है कि एक पेड़ 10 पुत्र समान, यानी एक पेड़ का वही महत्व होता है जो 10 पुत्र मिलकर के किसी माँ बाप की सुरक्षा करता है, उसी तरह से एक पेड़ उतनी सुरक्षा करने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे पेड़ों को हम लोग अपने व्यापार के लिए क्या करते हैं, बिना विवेक, बिना विचार से, बिना किसी सोच विचार के उसको छिद्यन्ते काटते रहते हैं। सरकार के द्वारा जब वृक्षारोपण किया जाता है और वह पेड़ जब बड़ा होता है, तो उस पेड़ को हम क्या करते हैं, हम लोग अपने थोड़ी देर के स्वार्थ के लिए, छोटी सी स्वार्थ के लिए उसको काट करके बाजार में बेच देते हैं। उससे क्या होता है, पर्यावरण का विनाश होता है, पर्यावरण की क्षति होती है। तो कहते हैं कि वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, बिना विवेक के, बिना सोच विचार के जितने भी वन्य पेड़ हैं, जंगल में रहने वाले जितने भी लगे हुए पेड़ होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए उसको हम काटते रहते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, येन जिससे अनावृष्टि प्रवर्धते, अनावृष्टि होती है, यानी वर्षा का अभाव होता है। आज हम लोग, हमारा देश, हमारा ही देश नहीं, सारी दुनिया आज इस समस्या से भी जूझ रही है कि कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि हो जाती है, यानी जब वर्षा का समय हो तब बारिश नहीं हो, वर्षा नहीं होती है, सुखाड़ हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारे जो वर्षा जनित जो फसल होते हैं वो फसल नहीं उग पाता है, खाद्यान्न की कमी होती है, जिसका डायरेक्ट है सीधा प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ता है। तो इतना ही नहीं, यदि अनावृष्टि होती है, समय पर वर्षा नहीं होती है, मौसम प्रतिकूल हो जाता है। आज जो वैश्विक है, जो ये ग्लोबल वार्मिंग की जो बात उठ रही है, यह जो वैश्विक समस्या है, इसका क्या परिणाम होता है, मानव के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यदि ठंड में ठंड न हो, गर्मी में गर्मी न हो, बरसात में बरसात न हो, तो यह
प्रकृति, इसका मतलब है कि प्रकृति असंतुलित हो गई है, प्रकृति कुपित हो गई है, प्रकृति का कोप जो है, क्रोध जो है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसका प्रभाव मानव के अस्तित्व पर, मानव के जीवन पर विभिन्न रूपों में हम लोगों को देखने को मिलता है। आज हम देख रहे हैं कि नित नए 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 तरह के रोगों से लोग ग्रसित हो रहा है, नई बीमारियां पनप रही हैं, बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसका कारण यही है कि हर कुछ, चाहे वो हवा हो, मिट्टी हो, सब प्रदूषित हो गई है। तो इसलिए कहते हैं कि अवृष्टि होती है, वर्षा का अभाव होता है, वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। हम लोग देखते हैं, सुनने में आता है कि जंगल से हाथियों का झुंड निकल के किसी रिहायशी इलाके में चला गया और वहाँ लोगों के साथ उन्होंने उत्पात मचाया, किसी के घर तोड़ दिए, आदमियों को मारा। सुनने में आता है कि बड़े बड़े सर्प अजगर हो, चाहे वह जंगली बहुत जानवर हो, वो सब रिहायशी एरिया में घुस जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग, हम सभी मानव ने अपने स्वार्थ के चलते उनका जो घर है, जंगल, पेड़ पौधा, घना जंगल, उसको हम काटते जा रहे हैं। तो जब उसके घर को हम काटते जा रहे हैं तो आखिर उस घर में, जंगल रूपी घर में रहने वाला जो जानवर है, चाहे वो विशाल हाथी ही क्यों नहीं हो, तो आखिर वो कहाँ जाएगा? वो हमारे घर में आएगा, हमारे क्षेत्र में आएगा। तो ये सब समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। इसलिए कहते हैं कि वन पशपश्च शरण रहिता, जंगल में रहने वाले जितने भी पशु वर्ग हैं, जितने भी जानवर इत्यादि हैं, वो सभी शरण रहित हो गए, यानी आश्रय रहित हो गया है। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है? ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, वह गांव में जाकर के उपद्रव मचाता है, है ना? वह गांव में जाकर के क्या करता है? उपद्रव मचाता है। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात्, पेड़ों को काटने से, यदि हम हरे पेड़ को निरंतर काटते जाते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने तनिक स्वार्थ के लिए, यदि उसको हम काटते जा रहे हैं, तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है? कि शुद्ध वायु हो, यानी शुद्ध जो हवाएं हैं, संकटापन्न हो जाता, उसका संकट, यानी शुद्ध हवाओं का जो संकट है, हमारे सामने उपस्थित होते जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्ष है, जो हरे पेड़ होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन वायु प्रदान करता है, जो हम, जो प्राण वायु के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। जब हरा पेड़ नहीं बचेगा, जब हम पेड़ को काटते जाएंगे, तो स्वाभाविक बात है कि हमारे सामने में शुद्ध वायु का संकट तो उपस्थित होगा ही। इतना ही नहीं, एवं ही स्वार्थांत मानवे विकृतिम उपागता प्रकृतिरेव तेषां विनाश कर्तिम संजाता। कहते एवं इस प्रकार स्वार्थांत मानवे, जो अपने स्वार्थ में अंधा हुआ जो मानव व्यक्ति, प्रकृतिम उपागता, प्रकृति के समीप रहते हुए, कि हम प्रकृति के समीप हैं, प्रकृति के समक्ष हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने स्वार्थ हम इस तरह से अंध हो गए हैं कि प्रकृति एव प्रकृति को ही तेषां विनाश कर्त्री संजाता, उसको विनाश करने के लिए हम लोग संलग्न हो जाते हैं। यानी प्रकृति के समीप रहते हुए ही, प्रकृति की महत्ता को, उसकी उपयोगिता को जानते हुए भी क्या करते हैं? प्रकृति के विनाश के लिए हम लोग संलग्न होते जाते हैं। पर्यावरणे विकृति उपगते, यदि पर्यावरण में विकृति होती है, पर्यावरण के साथ यदि हम उसके स्वरूप में छेड़छाड़ करते हैं, उसमें विकृतियां लाते हैं, तो जाए विविधा रोगा भीषण समस्याश्च, तो उसी का दुष्परिणाम क्या होता है? कि बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। किस रूप में? तो बड़े बड़े भीषण रोग के रूप में। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए भी, फिर भी आज विश्व जो है, अभी COVID-19 का की जो वैश्विक समस्या है, उससे झेल रहा है। आखिर ये सब क्यों है? ये सब वही है कि हम प्रकृति के साथ जो इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति
कि अन्यथा करते हैं, प्रकृति के बारे में प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं, प्रकृति को जो हम इस पर्यावरण को जो इतना प्रदूषित किए हैं उसी का दुष्परिणाम आज हमको विभिन्न प्रकार के वायरस हो या विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हो या बहुत प्रकार भीषण रोग की समस्याएं हो, ये सब हम सबको देखने को मिल रहा है। तत सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, कहते हैं तत तब सर्वम सभी को इदानीम इस समय चिंतनीयम प्रतिभाति, चिंता करना चाहिए, चिंता करने योग्य है कि अब हम सभी लोग मिलकर के इस पर सोचें विचारें कि हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, हम पर्यावरण को किस तरह से बचाएं। अब देखिए पर्यावरण के विषय में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम्, धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष इति आर्ष वचनम्। आर्ष मतलब होता है ऋषिगण, तो आर्ष वचन मतलब ऋषियों की वाणी है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है वही उसकी रक्षा भी करता है, यानी धर्म की रक्षा करने वाला जो होता है वही उसकी रक्षा करता है, यह ऋषियों की वाणी है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि यदि हम किसी की रक्षा करते हैं तो वह भी हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। ये ऋषियों संतों हमारे प्राचीन मनुष्यों का कहना है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा करता है इसलिए उसकी रक्षा होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि हम प्रकृति, ये पर्यावरण, प्रकृति हमारी रक्षा करती है तो हमारा भी धर्म है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, यानी प्रकृति की रक्षा करने में हमारी भी रक्षा होगी ही, पर्यावरण को यदि हम बचाएंगे तो पर्यावरण भी हमारी सुरक्षा, हमारी संरक्षा, हमारे अस्तित्व को कायम रखने में तत्पर रहेगा। इसीलिए ये आर्ष वचन है, ये ऋषियों के द्वारा ये बात कही गई है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्य वाङ्मिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, कहते हैं कि पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी धर्मस्य वाङ्मिति, हमारे जो धार्मिक साहित्य हैं, धार्मिक जो बांग में हैं, धार्मिक जो साहित्य हैं, प्राचीन जो साहित्य हैं, ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऋषियों के द्वारा, अनेक ऋषियों के द्वारा उसमें प्रतिपादित किया गया है, यानी बताया गया है किसके बारे में, तो पर्यावरण की रक्षा के बारे में, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में। ततएव वही कहते हैं वापी कूप तड़ागाद निर्माणम, हम लोग देखते हैं कि हमारी संस्कृति कहती है कि पहले लोग तालाब खुदवाते थे, बड़ा बड़ा पोखर खुदवाते थे, कोई धर्मशाला वगैरह बनाते थे, मंदिर मस्जिद बना देते थे, इसलिए इसके पीछे भी एक भावनाएं जुड़ी हुई थी क्या, तो कहते हैं कि ततएव बापी कूप तड़ागाद निर्माणम, बापी छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, कूप कुआं लोग खुदवाते थे, सार्वजनिक जगह पर कुआं खुदवा देते थे जल संरक्षण के लिए, जल ग्रहण के लिए। तड़ागाद निर्माणम, तालाब आदि का निर्माण, देवायतन देवालय वगैरह, विश्राम गृहादि स्थापनं च, और विश्रामालय आदि, ये सभी जो सामाजिक कार्य होते थे इसका निर्माण जो करते थे किस लिए, तो धर्म सिद्धे, धार्मिक कार्य के रूप में, यानी वो जो सामान्य लोगों के लिए, जो जन सामान्य लोगों के उपयोग के लिए हो, जो सभी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उपयोग हो, उसी को हम लोग उस कार्य के लिए धर्म के रूप में जानते हैं। यदि किसी ने धर्मशाला बना दिया तो वह एक आम लोगों के लिए आश्रय स्थल बन गया, किसी ने तालाब कुआं की खुदवाई की तो वहाँ उस तालाब में पानी लेने के लिए, उस कुएं से जल भरने के लिए आम लोग प्रयोग करते थे, तो इससे इसको एक धार्मिक कार्य से जोड़ता हुआ तो कहते हैं स्रोतोत रूपेण अंगीकृतम, उसके धार्मिक स्रोत के रूप में उसको अंगीकृत किया गया है, यानी उसको अपनाया गया है, यानी कि हमारे प्राचीन जो परंपराएं हैं उसमें कहा गया है कि लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, आम लोगों के कल्याण के लिए, जिससे आम लोगों
की सुख सुविधा हो, आम लोग लाभान्वित हो, आम लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुएं हो, इसलिए लोग तालाब की खुदाई करते थे, कुआं खुदवाते थे, धर्मशाला वगैरह बनवाते थे, आश्रय स्थल बनवाते थे। तो ये इसको इसलिए धार्मिक कार्यों से जोड़ा गया कि इसमें आम लोगों के सुख को निहित रखा गया था। इतना ही नहीं, अब देखिए हमारे पर्यावरण में जितने भी ऐसे ऐसे जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, जानवर हैं, जिसको कि हम अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, तो कहते हैं कि वो भी हमारे पर्यावरण से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कुक्कुर, शूकर, सर्प, नकुलादि स्थल चरा, इस स्थल पर, इस धरती पर रहने वाले वो जीव कौन सा, तो कहते हैं कुक्कुर यानी कुत्ते, शूकर सुअर, सर्प सांप, नकुल नेवला, ये सब जो प्राणी है ये धरती पर यानी जमीन पर रहने वाला है। उसके बाद जलचर यानी जल में रहने वाला, मत्स्य मछलियां, कच्छप कछुए, मकर मगरमच्छ प्रभृतियों इत्यादि, जल जलचरास चापी, ये सभी जलचर में यानी जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, जीव हैं, रक्षण या उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। यानी स्थलचर यानी स्थल पर रहने वाले, जैसे कुत्ते हैं, सुअर हैं, सांप है, नेवला है, ये सभी जो प्राणी हैं इसकी भी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वह भी हमारे पर्यावरण से जुड़ा है, वह भी प्रकृति का एक अंग है, एक हिस्सा है, किसी में हम मानव जीवन के लिए उसकी भी आवश्यकता है, मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसकी भी जरूरत है, इसलिए प्रकृति ने उसका भी निर्माण किया है। इसलिए हमारा दायित्व होता है, हम सबका कर्तव्य होता है कि हम ऐसे प्राणियों की भी रक्षा करें। जल में रहने वाले जैसे मछलियां हैं, कछुए होते हैं, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि, ये सब जली जो जीव हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं, ये इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। हम सभी प्राणियों को, सभी प्राणियों का कर्तव्य होता है कि हम ऐसे जलचर प्राणी जो हैं इसकी भी रक्षा करें। इतना ही नहीं, यतस्ते स्थल मलाप नो दिनो जल मलाप हारिणश्च। अब देखिए स्थल और जल दोनों बात को इसमें कहा गया है। स्थल पर रहने वाले ये जो प्राणी का नाम अभी दिया है, जैसे कुत्ते हैं, सुअर हैं इत्यादि, ये सांप है, नेवला है, तो कहते हैं कि स्थल मलाप नो दिनो यानी जमीन पर रहने वाली जो गंदगियां हैं, धरती पर रहने वाली जो गंदगियां हैं, उसको दूर करने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए, जैसे कुत्ते गंदे को खा लेते हैं, सुअर वगैरह जो कचरा गंदा होता है उसको भी खा लेता है, तो एक प्रकार से वो क्या होता है, तो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करता है, हमारे परिवेश को सुरक्षित करता है, तो उसकी भी उपयोगिता है, उसका भी अस्तित्व है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। ठीक उसी तरह से जल में रहने वाले वो मछलियाँ जो हैं, ये कछुए हैं या मगरमच्छ हैं, वो क्या करते हैं, जल मलाप हारिणश्च, जल में रहने वाले जो मल हैं, जो गंदगियाँ हैं, उसको भी अपहरण करते हैं यानी दूर कर लेते हैं। यानी जली जो जीव होते हैं, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो जल में जो गंदगियाँ होती है, जो हम मानवों के द्वारा उन गंद जल के जल में गंदगियों को प्रवाहित किया जाता है, उन गंदगियों को वह जल जीव जो है, जल में रहने वाला जो प्राणी है, उस कचरे को, उस जली प्रदूषण को, गंदगी को वह दूर करता है, उसको हटाता है, इसलिए उसकी भी रक्षा है, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए, उसकी भी अहमियत है हमारे जीवन में और इस पर्यावरण के लिए। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि वो स्थल जीव हो या जली जीव हो, स्थली जीव हो या जली जीव हो, दोनों जीवों की सुरक्षा और संरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम सभी मानवों का कर्तव्य है। इतना ही नहीं, अंत में कहते हैं कि प्रकृति ही अस्यैव संभवति लोक रक्षेत नो संशयः। कहते हैं प्रकृति ही रक्षैव संभवति, प्रकृति की रक्षा से ही संभव है लोक रक्षा इति, यानी लोगों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा से ही लोगों की रक्षा जो है वह संभव है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। यानी जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे
तब ये इस संसार की रक्षा होगी। अर्थात यह संसार जो है यह किससे जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकृति से। इसलिए अंत में कहते हैं प्रकृति रक्षयेव, प्रकृति की रक्षा से ही संभवती, संभव होता है किसका, तो लोक रक्षेति, लोगों की रक्षा के लिए, यानी संसार के जितने भी लोग हैं, यानी ये दुनिया जो है इसकी रक्षा सुरक्षा किससे संभव हो सकती है, प्रकृति की। यदि हम रक्षा करते हैं, प्रकृति की हम जब सुरक्षा करते हैं, तभी यह संभव हो सकता है। इसलिए बच्चों अंत में, अब इस कक्षा को विराम देते हुए, अंत में हम आप सबको इस पर्यावरण पाठ के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि पर्यावरण किस तरह से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण को बचाना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, पर्यावरण आज किस तरह से प्रदूषित हो गया है, पर्यावरण आज यह एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। तो पर्यावरण से आप सबको अवगत कराते हुए आप सभी बच्चों को इस पाठ के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप पर्यावरण की महत्ता को समझते हुए, उसकी उपयोगिता को समझते हुए कोशिश कीजिए कि पर्यावरण के साथ इस प्रकृति में जो ये पेड़ पौधे नदियाँ वगैरह जितने भी पर्यावरण से जुड़े हुए जो हमारे अंग हैं इस प्रकृति के, उसको बचाने का प्रयास होनी चाहिए। इसके प्रति स्वयं जागरूक रहते हुए अन्य अपने परिवेश में रहने वाले, अपने संपर्क में रहने वाले अन्य दूसरे लोगों को भी जागरूक करने का आपका प्रयास हो, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इसलिए इस पाठ के माध्यम से अंत में आप सबको पर्यावरण पाठ के माध्यम से यही कहूँगा कि निश्चित रूप से कम साल में एक पौधा आप जरूर लगाओ। एक पौधा यदि आप लगाते हो तो पर्यावरण के लिए आप मित्र बन करके पर्यावरण को बचाने के लिए आप आगे आते हो। तब यदि आप यही भावना को विकसित करते हो तब यह प्रकृति जो है यह हमलों के साथ है, अन्यथा नहीं। तो प्रकृति के कोप को सहने के लिए आने वाले हम सभी पीढ़ियों को, आने वाले पीढ़ियों को तैयार रहना होगा। इसलिए इस पाठ के माध्यम से आप पर्यावरण की महत्ता उपयोगिता को समझ गए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।